हाँ जी, क्या हाल है सबके? जाने की तैयारी है, अभी 8 सिमरन की शादी है। हेलो यहाँ हालत ऐसी है, आपको पता तो है ही। देखा क्या हालत हो रखी है बाहर भाई, बिल्कुल गंद मचा रखा। मतलब गंद क्या तो बना रहे हैं, अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रहे हैं ये कि जितना हो सके तो कीचड़ में कमल खिलाए। अब तैयार होना है, मेरे को तैयार होके जाना है शादी में। सिमरन की गाड़ी निकल नहीं सकती है, बुलेट में मैं जा नहीं सकता हूँ। और मैसेज आ चुका है रूमी का। हाँ, तो फिर उसके बाद जाना है, कहाँ है जाना है? बच्चों से मिलने, बाल ऐसे ही हो रहे हैं। फिर बच्चों से मिलने जाना है, टाइम स्पेंड करना है पूरा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टाइम स्पेंड करेंगे। फिर उसका कैब पकड़ेंगे, कैब पकड़ के वापस आ जाएंगे। तो आज की दिनचर्या ये है मेरी, 2 दिन से ब्लॉग में कर नहीं पाया। वही जब बुलेट पे जाऊंगा तो फिर कहीं से ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है ना? तो ये सब निपटा के फटाफट से नहा धो के देन जल्दी निकलते हैं। बाय बाय। तो फाइनल लुक, निकलने की तैयारी है हमारी। निकलूं फटाफट से, पहुंचूं। बाकी तो हमारे जो सहपाठी हैं सारे पहुंच गए हैं वहां पे, और मोर द लेस 1 घंटा तो लगेगा। कैब से जाएंगे आज, कैब से जाऊंगा देन उसके बाद फटाफट से पहुंच जाऊंगा। वेट कर रहे हैं पापा हमारे, वेट कर रहे हैं कब निकलेगा ये। निकल लेंगे भाई, ऐसी बात क्या है यार, निकल लेंगे। देखो हाल दोबारा से, ये देखो रोड का हाल। और ये हमारी मम्मी सूट ले रही है, मीना बाजार छोड़ के मम्मी हमारी यहाँ। मित्र जी अंकल जी की कैब में बैठे हैं आज हम। अंकल जी राम राम। अंकल जी राम राम। जी राम राम। अभी आ रहे हो? अच्छा। तो अंकल जी ने राम राम कह दिया भाई। अब जाके वहाँ सारे के सारे पहुँच चुके हैं, मैं ही रह गया खाली अकेला। अब सारे पहुँच जाएंगे, सारे पहुँच गए मैं रह गया हूँ। तो भाई दिक्कत ये है कि हाँ बुके नहीं मिल रहा कोई भी। अब आशी कह रहा बुके लेके आना भाई, बच्चों से मिलना है, शादी अटेंड करके बच्चों के पास जाएंगे, पूरा दिन आज वहीं स्पेंड करेंगे। एक बार अपने नए वाले घर में भी चले जाएंगे, उसके बाद जैसा रहेगा आगे आगे शूट करते रहेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं जल्दी आपसे फटाफट। भाई सारे शादी में आ गए, सारा ऑफिस का। अरे मैं नहीं आ रहा। शादी हमने निपटा दी है, मतलब उसने खुद ही निपटा ली है। अब निकल गए हैं यहाँ से, और अब मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे इतना बेहतर बेहतर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जो बहुत खुश होता है आदमी, खुश होता है अंदर, मतलब बहुत ज्यादा खुश होता है। बहुत ज्यादा। अब
पे उसे कहते क्या है? खुशी कहते हैं। चित्त प्रसन्न है। चित्त प्रसन्न, मन प्रसन्न, मन मन, मतलब गदगद हो रहा है मेरा मन इस गाड़ी में बैठ के। नहीं दिलवा दो ना, नहीं दिलवा दो, नहीं दिलवा दो। जब मैंने बोला था ले ले भाई, तब तो ले लिया था। पंच वाला गाड़ी वाला काउंटर लॉन्च कर दूं? कर दो, मैं तो सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए। हाँ ठीक है, ठीक है, 6.5 पे ना, 6.5 पे 6.5 करना है। मतलब 6.5 पे 13 करोड़ हो गया भाई। तो क्या है, 2 महीने में कर नहीं सकता क्या तू? 2 महीने में 15 करोड़ नहीं कर सकता? कर दूंगा भाई के लिए कुछ भी। कोई देख के अपने लिए करेगा, मेरी अपनी गाड़ी बता दी तेरी। सर हो सकता है फैमिली के आपको गिफ्ट कर रहे हो? ओए चलेगा चलेगा, बोलो ठीक है, फिर तो भाई दौड़ेगा अगर ये थार गिफ्ट कर दे मुझे तो। नहीं चाहिए थार, प्यार चाहिए मुझे बस। चलो तब जाके बच्चों से मिल ले थोड़ा सा, वरना अगर मैं ब्लॉक करूंगा तो ये डिस्ट्रैक्ट होगा, ये डिस्ट्रैक्ट होगा तो ये गाड़ी मार देगा, गाड़ी मार देगा, पैसे मुझे देने पड़ेंगे। गाड़ी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, नहीं लेके देनी पड़ेगी। अबे सामने वाले को देने पड़ेंगे। इसको क्या हो रहा है, कुछ होगा इसे और कितना होगा इसे? ठीक है चलो जी। ये हमारे ससुराल की धरोहर है, हमारे ससुर जी की स्कूटी। ससुर जी ऐसे चलते हैं हमारे यहाँ से। चलो भाई बच्चों से मिलने ससुराल आ गए हैं। चावला जी ने हमें ड्रॉप कर दिया है, 50 रुपये लिया उसने ड्रॉप करने के। अरे मेरा सेक्रेटरी कहाँ गया? ओके ओके। चलो भाई बच्चों की आवाज़ तो आ रही है मुझे, ये लो बच्चों से पहले। हाँ ठीक है, आ रही है। इतनी लाइट जलेगी बड़ी वाली, कहाँ जलेगी भाई? तन्नू के, तन्नू से काम क्यों करा रहे हो आज? तन्नू जरा तन्नू मांग गए। अच्छा बिफोर एंड आफ्टर। हाँ आई आज बर्थडे है लड़की का, कहाँ जा रही है आज? पता नहीं, बर्थडे जा रही है और इसी बर्थडे के उपलक्ष में इसकी जो बड़ी बहन है वो तैयार हुई है। ये रही तैयार, देख ले अपू इधर। शादी से आ रही है? शादी से नहीं आ रही है, बहुत दिन बाद हम मिले हैं। बहुत दिन के, 2-3 दिन बाद मिले हैं, ऐसा लग रहा है 2-3 साल हो गए। ए परमानेंट, परमानेंट खांसी। भाई घर तो ऐसा लग रहा है सुना सुना एकदम यार। यहाँ भी काम कर रही है तू यार? माँ के घर थोड़ी काम करते हैं, माँ के घर तो आराम करते हैं। ससुराल में काम ही करते हैं, मान गए ना? ससुराल में थोड़ा बहुत कर लेते हैं, मम्मी के घर तो बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ पता है? तो हमारी बेटी तो हमारे घर ही रहेंगी, मैं सो रहा था, इन्होंने मुझे अचानक से एकदम से उठा दिया भाई। यहाँ पे ससुराल में नींद मत लेने देना मुझे भाई। नींद पूरी कर ली है हमने ससुराल में, बच्चे कर रहे हैं हमारे, सासू माँ तो पूजा कर रही है हमारी। मस्त नींद आ गई, मैं तो मस्त सो गया था भाई एकदम। यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? क्यों बना रहे इतना सब कुछ यार? खाओ हाँ, तुम्हारे घर में बन रहे पकौड़े? मैंने बोला था, मैंने बोला क्या बना रही है मम्मी, क्या बना रही है, क्या बना रही है मम्मा, क्या बना रही है? पोला, पोला बना रही है भाई, पोला, पोला। राध्या अभी दे रही हूँ। मम्मा क्या बना रही है? पोला, पोला, पोला। चाय पकौड़े लेंगे, थोड़ी सेवा करवाऊँ, आतिश हो गया था तो सेवा करने का मौका नहीं मिला। बीवी काम करती दिखनी चाहिए मुझे, काम करो। अभी अंदर परोड़ कर रही है, कुछ चढ़ चढ़ कर रही है।
चलो चाय आने दो फिर कंटिन्यू करते चाय के साथ। क्या क्या उई वाली वीडियो उई वाली ये ऐसे बहुत कुछ बोलती है। वैसे पूरा टारगेट रहता है इसको ना, ऐसे करो जज करो क्या बोला गया क्या बोला गया। क्या बोलो पापा को बोलो क्या क्या कह रहे हो व्हीकल क्या कलर कलर हाँ। कौन सा कलर टूटू टूटू कलर हाँ। कौन सा कलर उई वाली वीडियो लगाओ उई वाली जिसमें बोलता है लाडो है। पहले करके दिखाओ मेरे पापा आप करके दिखाओ फिर लगाऊंगा कलर। मेरे पापा करके दिखाओ कैसे करते हैं बोलो मेरे पापा। पहले एक बात बताओ पापा को वैसे चल के दिखाओ जैसे आप चलते हो कैसे चल के दिखाओ चेंज करो चलो कैंडल कैंडल ब्राउनी है ये जो दो केक हो गए भाई मैंगो पेस्ट्री भी है लेकिन वो हो गई है केक भी है वो टेढ़ी हो चुकी है मैं रूमी को आज से कुछ टाइम पहले मतलब एक तो मुझे कुछ बताने नहीं देती मैं अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकता इसके आगे मतलब किसी के आगे भी तो मैं रूमी को पहले बिल्ली बोलता था मेरी बिल्ली मेरी प्यारी बिल्ली मुझे नहीं पता था बंदा मेरे ही मार देगी तो मैं बिल्ली बोलता था। तो आज बड़े दिन बाद मैंने किसी के केक पे क्या लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे बिल्ली ये लिखे हुए देखा मैंने केक तो दिखाओ मैडम के तो मुझे फिर अपनी याद आ गई ये सब ये कौन सी बहुत अच्छी है ब्राउनी ला भाई ला केक दिखा दो भाई एक तो ये केक है एक ये केक है मतलब की चीज है ब्राउनी हैप्पी हैप्पी और क्या है मैंगो पेस्ट्री थोड़ी सी खराब हो गई तो आई कुडंट ब्रिंग इट कोई बात पकड़ो चलो पीछे हटो पीछे हट जाओ केक काटना है और हमारा और आराध्या को बर्बाद करना है। अब काम करो आप जाओ तन्नू मासी के पास जाओ अभी रुको अभी वेट करना है वेट करो जाओ तन्नू मासी वेट करो वेट वेट रुको रुको रुक जाओ पहले जलाएंगे फिर रुको अभी रुको हमारा आराध्या वेट अभी रुको स्पून पकड़ो स्पून उठा लो अपना अपना आपने उठा लिया हमारा उठा लिया ये तो हंसने की जो आवाज थी ना इसकी हंसने की ये आवाज हमने इतनी सुनी है ना भाई ये पर्वत सा बना रखा तूने वहाँ पे कैलाश पर्वत हाय हाय गया 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 ये चाय थी क्या कह रहे थे आप क्या कह रहे थे एक छोटा सा वीडियो बना रहे बोलो क्या कह रहे थे अरे यार शर्मा जाते हो आप मधुबाला जी शाये है भाई हमारी भाई इसके लड़का ढूंढ रहा हूँ मैं मेरी फोटो सही है हाँ जी अभी तो वीडियो फोटो मैंने खींची नहीं मैंने वीडियो बनाई है वीडियो दिखा दो वीडियो तो अभी बना रहा हूँ मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा आपको गरम नहीं है तो गरम करने का वो सीन है बस ठंडे होती है खाने की इतनी मतलब वैरायटी कैसे हो सकती गरम करके खाएंगे नहीं ब्राउनी गरम बहुत अच्छी लगती है तुम्हें लगती होगी दोनों को सेम सेम हो दोनों सेम सेम ही तो है दोनों हमें शक्ल बहुत मिलती है बाकी बहुत भी मिलता है
मैं बाथरूम में भाग गए देखो भाग गए बोल के भाग गए। अगर अगर ये चीज आई या नहीं है मैं ना मैं तो वैसे भाई उठा ले बच्चे बुला रहे हैं। अभी एक इंसिडेंट हुआ है मैंने जो भी कट कर दिया है तो इंसिडेंट जो हुआ है ना तो सबको दिया। जी जी ब्राउनी नहीं खाता बिल्कुल भी नहीं खाता। ब्लैक कलर का कोई ब्लैक फॉरेस्ट ये वो कुछ खाते ही नहीं हम। व्हाइट कलर का फॉरेस्ट है वो ये गहरी ये खाने को कह रही है छोटी विपिन ये बहुत अच्छा कुछ भी तू रखो मेरे से। डॉक्टर साहब ने मना किया हमें हमें डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है खाने को। शादी का क्या सीन है तेरे शादी का पहले अफसर और मना लीजिए नहीं उनके बाद का क्या सीन है उसके बाद फिर सोचेंगे हमें सोचेंगे रुक जाएगा वो रुक जाएगा नहीं रुकेगा क्या मैंने कहा इसे कि मैंने बोला कि शादी का क्या सीन है कह रही नहीं कुछ नहीं मैंने बोला कह रही पहले अप्पू का और मन्नू का करवाओ तो मैंने बोला कि मैंने बोला कि इतने टाइम तक वो रुक जाएगा तो कह रही नहीं मैं किसी की बात नहीं कर रहा मैं तो सिर्फ लगा रखी है ये फंस गई आज आई ये बिल्कुल गलत बातें हो रही हैं वास्तु के हिसाब से इस टाइम नहीं बताना चाहिए था क्या 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 इसमें क्या है क्या इसमें क्या लिखा फोन आ रहा है फोन आ रहा है भैया देखो ना देखो देखो ये देखो चलो भाई अब निकलेंगे फटाफट से बाय बाय टाटा करेंगे रूमी को मैंने बाय बोल दिया पहले ही बाकी सबको बोल चुका हूँ वन सेकंड बाय 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 कर दो पापा को क्या अम्मा तो यहीं रहेगी ना हमारा ने क्या खाया अम्मा को लेने आएंगे ना आपने राइस खा ली पापा साहब राइस खाए ना अभी खा लिए है ना बाय गुड नाइट। हाँ जी राध्या राध्या इधर देखो बाय गुड नाइट। चलो भाई बाय बाय टाटा वॉलेट ले लिया कैब बाहर खड़ी है चलो बाय कर दो भाई बच्चों को बाय बाय। उम्मा कर दो उम्मा कर दो यार पहले के सबके लिए भेज दे रहे हो समझ चलो भाई चलो चलो पहुंच के बताना जरा बाय बाय ठीक है पहुंच के फोन करता हूं ठीक है। चलो भाई चले यहाँ क्या पहले भैया कहाँ खड़े देखे एक बार। हाँ जी घर पहुँच गए हैं हम और लाडो गुड़िया से मिल लिए भगवा पहन लिया अपना हमने फेवरेट कलर तो अब कल व्लॉग आएगा मतलब रात को व्लॉग डालने की कोशिश करूँगा और सोएंगे सुबह मीटिंग है कल जाना है सोनीपत माइट भी सोनीपत जाना है कल नया कुछ देखेंगे वहाँ पर मीटिंग है वहाँ पर वो करने जाना है भगवान की दुआ से सब ठीक हो जाए वहाँ भी अपना काम बन जाए मीटिंग है वहाँ पर और जितेंद्र को लेके जाना सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है आई फ़ोन करता हूँ उसको भाई साहब वो गाड़ी चलाएगा गाड़ी चलाता है भाई गाड़ी का स्टाइल दिखाऊँ कल आपको उसका। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ शादी निपट गई उसकी बढ़िया करके लड़की अपना खुश रहे जाके सिमरन हमारी और प्लस बच्चों का मिलन भी हो गया बाप से अपने बहुत दिन बाद दो दिन हो गए थे मिला नहीं था बच्चों से मैं और रोजी का तन्नू का तन्नु मासी का जन्मदिन था आज वो भी हमने बढ़िया करके मनाया आपने देखा ही होगा अभी। तो आज का ब्लॉगिंग ख़त्म करते हैं रात हो गई है एडिटिंग भी करनी है सब करना है बहुत सारे काम पड़ने हैं हमारे ठीक है तो कल मिलते हैं कल मतलब ब्लॉग तो मैं बनाऊंगा कोशिश करूंगा ब्लॉग बने क्योंकि मैं एक्चुअली मैं रॉयल इनफील्ड हमारे पास है बुलेट उस पर जा रहा हूँ तो ब्लॉगिंग का कुछ भी नहीं हो सकता तो बहुत रिस्की रहेगा इसलिए मैं कर नहीं रहा बाकी एक ही सांस में बोल दिया मैंने लगातार ठीक है तो कल मिलते हैं और कल दोबारा कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट दोबारा से और कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर।